हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। धन सूक्ति ही विद्या धनम सर्वधम प्रधानम। इसका मतलब है कि विद्या का जो धन होता है वो सभी धन में प्रधान होता है, सभी धन में सर्वश्रेष्ठ होता है। विद्या धन एक ऐसा धन होता है जो कि सभी का खुद का होता है, कोई किसी का ले नहीं सकता, कोई किसी का चुरा नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं। न चौर हार्यम न च राज हार्यम न भ्रातृभाज्यम ना च भारकारी। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधम प्रधानम। इसका अर्थ है न चोर हार्यम, ना ही इसको कोई चोर चोरी कर सकता है, ना च राज हार्यम, इसका अर्थ ना ही इसको कोई सरकार छीन सकती है, कोई सरकार ले सकती है किसी से। न भ्रातृभाज्यम, ना ही इसको भाइयों में भाज्य मीन्स डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ना च भारकारी, और ना ही इसको इसके भार को हम बढ़ा सकते हैं। व्यय कृते वर्धत एवं नित्य, इसका अर्थ है व्यय कृते, हम इसको जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं इसका जितना ज़्यादा, या दूसरों में बांटते हैं, खर्च करते हैं, तो ये उसका जो भंडार है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। विद्या धनम सर्वधम प्रधानम, विद्या का धन सभी धन से प्रधान होता है। अब हम पढ़ेंगे मनोरंजनी पेज नंबर 34 पर। यहाँ कश्यप और शशक यानी कि कछुआ और खरगोश के बीच में वार्तालाप दिया हुआ है, हम उनको पढ़ेंगे और उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो पहले कश्यप का पढ़ते हैं। भगवान कहा, आप कौन हैं? अहम शशक अस्मि, मैं खरगोश हूँ। भगवान कथम चलति, आप किस प्रकार चलते हैं? अहम तीव्रम तीव्रम धावामि, मैं तेज तेज दौड़ता हूँ। भवान कह, अभी खरगोश बोलेगा कछुए से, भवान कह आप कौन हैं? अहम कच्छपा, मैं कछुआ हूँ। भवान कथम चलति, आप किस प्रकार चलते हैं? अहम शनै शनै चलामि, मैं धीरे धीरे चलता हूँ।